हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सौरव। बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं दिया था क्योंकि कहीं बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए। अभी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो कुछ ही दिनों बाद ट्रैवल वीडियो आने वाला है। लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। आज मैं आप लोग को मेरे दो प्यारे बच्चों से मिलाने वाला हूँ, तो देखिए। सो दिस इज मोगैम्बो। मोगैम्बो हाय बोलो। सो मोगैम्बो ही इज़ अ पग और ही इज़ जस्ट 1.5 years old। तो मैं जब उसको लेके आया था तब उसका सिर्फ 35 दिन उम्र था, बहुत ही छोटा था, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। एकदम छोटा आया था, बहुत शरारती था और बहुत प्यारा है, हर वक्त मेरे साथ एकदम चिपका हुआ रहता है। मोगैम्बो बहुत बातों को समझता है, अगर मैं उसको कुछ भी बोलता हूँ तो वो झट से उसको समझ जाता है। इसका बहुत प्यारा एक वर्ड जो कि है बिस्किट। ये बिस्किट खाने में बहुत, मतलब इस बिस्किट खाना इसको बहुत पसंद है। अब देखिए कैसे रिएक्ट करेगा मोगैम्बो। बिक्कू इसका मतलब इसको बिस्किट खाना है। अभी इसको बोल दिया बिस्किट तो बस इसको खाना ही है अभी। बिक्कू बस, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। इसको बिस्किट बहुत प्यारा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार अगर आपने बोल दिया बिक्कू, उसको बिक्कू बुलाते हैं हम लोग, बिक्कू बोल दिया तो मतलब उसको बिस्किट देना ही देना है। तो अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसीलिए ये दोनों के साथ में मेरा टाइम बहुत बीतता है। तो मैं आपको दूसरे बच्चे से मिलाता हूँ अभी। और ये है लोकी। लोकी इज़ अ बीगल और इसका उम्र जस्ट 1 साल हुआ है। लोकी काफ़ी प्यारा है, लोकी एकदम बहुत क्यूट लगता है सबको, मतलब एक बार में पसंद आता है। ये ऐसे आप इसको पकड़ के रखोगे और इसको अगर आप ऐसे पेट में करते रहोगे तो ये चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं बोलेगा आपको, यही लेखा भी नहीं, क्योंकि इसको आराम आता है, मज़ा आता है। आप इसको शक्ल देख के पता चल रहा होगा, शक्ल से जितना ये इनोसेंट लगता है एकदम भी इनोसेंट नहीं है, बहुत बदमाश है, बहुत। अभी तो देखो शक्ल इसका, आपको लगेगा ही नहीं कि अब देखो, चालू, अब इसका चालू हो गया। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जाओ लोकी, लोकी हाय बोलो, हाय बोलो, हेलो, से हेलो टू एवरीवन।
इसके आने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इसको एक्चुअली मैंने नहीं खरीदा था, ये मेरे भैया है मनोज भैया, और घर में किसी को बताए नहीं थे वो। तो क्या किए थे कि वो बिना बताए बीगल को एक बीगल लेके आ गए थे। तो जब वो लेके आए थे तब सोच रहे कि घर में रख पाएंगे, लेकिन आंटी मतलब बिल्कुल भी माने नहीं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब आंटी मानी नहीं तो मैंने मनोज भैया को कहा कि ठीक कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसको कुछ दिन रखता हूँ मेरे पास में, तो आप घर में देखिए कि आप आंटी को मना पाते हैं कि नहीं। तो अगर आप आंटी को मना पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो देखते हैं कुछ और सोचेंगे इसके बारे में। तो फाइनली आंटी मानी नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरे पास ही रह गया है। ये मोगैम्बो से भी ज़्यादा मेरे साथ अटैच्ड है, क्योंकि ये सारा दिन मेरे साथ चिपका हुआ रहता है। ये मैं अगर काम करने के लिए इस टेबल में बैठता हूँ या फिर कोई भी और रूम में जाता हूँ तो ये ठीक मेरे पीछे पीछे ही जाएगा, उसको अकेला रहना ही नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी भी, तो पता नहीं इसके बाद जब ऑफिस ज्वाइन करूँगा तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा। बट इन दोनों के बगैर मेरा भी मन नहीं लगता, जब घूमने जाता हूँ कहीं पर तो हमेशा इन दोनों का याद आता रहता है, तो इन्हीं को लेकर मेरा पूरा दिन कट जाता है एकदम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द हम लोग एक नया ट्रिप पे जाएंगे, तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी काफ़ी सारा वीडियो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग, बाय बाय।